Hey guys, this is me, Ravi here. This is me, Azu here. We guys are back with another reaction video. So guys, अगर channel पर new हो, तो जल्दी से channel को subscribe करके आज का video join करो. हमारा एक vlogging channel है, by the name Ravi Anazan. नीचे आ रहे description में link है, उसको भी subscribe कर लो. चलते हैं आज की reaction video की तरफ. Title. तो guys, आज हम इस video पे reaction करने वाले हैं. वो आपके मुल्क की development के ऊपर है. और इकोनॉमी के ऊपर बेस भी करती है. उसका टाइटल है हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म इंडियाज लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन 10 years. और जो मैंने देखा है, पर्सनली एक्सपीरियंस किया है चीजों में पढ़ के और देख के यूट्यूब से, तो वो यही है कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में काम किया है वो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं कर सका. और इन्होंने इंडिया की जो काया है ना, वो पलटी है इकोनॉमी और हर तरह की चीज में. लेकिन हम पहले देखते हैं और फिर इस पर अपना ओपिनियन देते हैं. देखो, अगर किसी भी देश को अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होता है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होता है, तो वो देश लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने में लग जाता है. वो इसलिए क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर इकोनॉमी के लिए बैकबोन होता है. जब किसी भी देश का लॉजिस्टिक सेक्टर इम्प्रूव होने लगता है, तो उस देश की डेवलपमेंट भी तेजी से होने लगती है. ऐसा इसलिए क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर भारत के हर सेक्टर, हर इंडस्ट्रीज के काम आता है. किसी भी गुड्स के रॉ मटेरियल से लेकर उसके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक में लॉजिस्टिक सेक्टर काम में आता है. इसके अलावा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कस्टमर तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. जैसे कि मान लो कि आप टी शर्ट बना रहे हो, तो उसके रॉ मटेरियल को मंगवाने, उसको वेयर हाउस में स्टोर करने, उसकी डिलीवरी करने में लॉजिस्टिक सेक्टर काम आता है. फिर टी शर्ट बन जाने के बाद उसे मार्केट में पहुंचाने में लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत अहम रोल होता है. इसके अलावा टी शर्ट को एक्सपोर्ट करने में जो कस्टम पेपर वर्क का काम होता है, उसमें भी लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. लॉजिस्टिक सेक्टर मिलिट्री के भी काम आता है. आप लोग सुन रहे होंगे कि भारत लद्दाख में, अरुणाचल में रोड को डेवलप कर रहा है ताकि इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम ना आ सके. तो लॉजिस्टिक का बिजनेस में, मिलिट्री में, ई कॉमर्स में, हर जगह पे यूज होता है. तो भारत में लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है ताकि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके. और देखा जाए तो इसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया है. भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होकर 7.8% तक आ गई है. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों के चलते भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है. तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ. दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा. अभी कुछ दिनों पहले नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से कम हुई है. जहां 2011-12 में भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8.7 से 9.9% ऑफ जीडीपी हुआ करती थी, जो 2013 में बढ़ के 10% तक चली गई थी. वहीं 2021-22 में ये कम होके 7.8 से 8.9% ऑफ जीडीपी हो गई है. भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट के कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना. पिछले कुछ सालों में जिस तरह भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने में फोकस कर रही है, रोड, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल ट्रैक्स बना रही है, भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है, उससे भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है. इस समय भारत में 11,93,000 करोड़ रुपए के 119 इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से रोड एंड हाईवे के 52 प्रोजेक्ट्स हैं, इंडियन रेलवे के 47 प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के 8 प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के 5 प्रोजेक्ट हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के 4 प्रोजेक्ट हैं, पोर्ट एंड शिपिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का 1 प्रोजेक्ट है. इसके अलावा भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत इन्वेस्ट कर रही है. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना शुरू की है, जिसके चलते भारत में 65,000 किलोमीटर के हाईवे और एक्सप्रेसवे तेजी से बनाए जा रहे हैं. जहां 2014 तक भारत में 91,000 किलोमीटर लेंथ का नेशनल हाईवे हुआ करता था, वहीं अब नेशनल हाईवे की लेंथ बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गई है. जहां 2017 तक भारत में सिर्फ 1,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था, वहीं अब यह बढ़ के 5,000 किलोमीटर हो गया है. तो जिस स्पीड से भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उससे भारत की रोड की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 144 कंट्रीज को रोड क्वालिटी के हिसाब से रैंकिंग दी है. इसमें भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 46 है, वहीं चाइना की 44. 2014 में भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 76 थी, वहीं 8 सालों में ये 46 पोजीशन पे आ गई है. भारत ने रोड क्वालिटी के मामले में रशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड जैसे देशों तक को बीट कर दिया है. इसके अलावा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना शुरू की है.
सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7516 किलोमीटर लंबे कोस्टलाइन और 14500 किलोमीटर पोटेंशियल वाटरवेज और मेजर इंटरनेशनल सी रूट को डेवलप करना है और साथ में भारत के पोर्ट को मॉडर्नाइज करना और नए पोर्ट को बनाना है जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर इम्प्रूव हो सके। सागरमाला प्रोजेक्ट से भारत को फायदा भी होना शुरू हो गया है, जहां 2014 में भारत के पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 44.7 आवर्स का था जो 2022 में गिर के 26.58 आवर्स का हो गया है। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम का मतलब यह है कि पोर्ट में जो शिप्स आती हैं वो कितने टाइम में सारे माल को अनलोड करती हैं और नए माल को लोड करती हैं। जिस देश का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है उस देश का ट्रेड उतना तेजी से बढ़ता है, क्योंकि पोर्ट टर्न अराउंड टाइम कम होने से पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ में क्वालिटी सर्विस बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। वैसे भारत सरकार पोर्ट टर्न अराउंड टाइम को 16 से 18 घंटे करना चाहती है ताकि एक दिन से कम समय में पोर्ट से माल लोड और अनलोड हो सके। भारत सरकार ने कहा है कि जैसे ही सागरमाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से भारत को हर साल लॉजिस्टिक में 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लॉन्च किया है। अभी देश में मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है जिससे मालगाड़ियों को दो दो दिनों तक के लिए रोक दिया जाता है जिससे लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ती है और फिर इससे ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ने लगती है। पर फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से फ्यूचर में मालगाड़ियां टाइम पे पहुंचेंगी और फिर इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। डीएफसी के बन जाने से मालगाड़ियों की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी जो अभी 20 से 25 किलोमीटर पर आवर चल रही है। इसके अलावा मालगाड़ियों की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी और 2030 तक इंडियन रेलवेज के थ्रू भारत का 50% कार्गो ट्रांसपोर्ट होगा जो इस समय 30% हो रहा है। तो जिस स्पीड से भारत सरकार देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने में लगी हुई है उसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गया है, जहां 2011-12 में भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8.7 से 9.9% ऑफ GDP हुआ करती थी वो 2021-22 में कम होकर 7.8 से 8.9% ऑफ GDP हो गई है। इसके अलावा 2014 में वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 54 थी जो 2023 में 38 हो गई है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट की है, इंटरनेशनल शिपमेंट में इम्प्रूवमेंट की है, लॉजिस्टिक क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंस में इम्प्रूवमेंट की है, टाइम में इम्प्रूवमेंट की है। वहीं कस्टम और ट्रैकिंग में भारत को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वैसे इस समय चाइना की रैंक इसमें 19th है, US की 17th है, फ्रांस की 13th है, जर्मनी की 3rd है और सिंगापुर की 1 है। भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को और बूस्ट देने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया था। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मेन एम 2030 तक भारत के लॉजिस्टिक कॉस्ट को 8 से 10% तक लेके जाना है। इसके साथ साथ भारत में प्रॉपर वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाना है जिससे भारत में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट वेस्ट ना हो और साथ में कार्गो डैमेज ना हो। इसके साथ साथ 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को टॉप 25 देशों में भी लाना है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भारत सरकार इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम के तहत भारत की सारी मिनिस्ट्रीज के बीच कॉरपोरेशन बढ़ाने के लिए उन्हें एक सिंगल विंडो सिस्टम से इंटीग्रेट करेगी। सारी मिनिस्ट्रीज को एक साथ डिजिटली लाएगी जिसमें वो साथ में मिलकर काम कर सकेंगे जिससे पेपर वर्क कम होगा। कंपनीज को लॉजिस्टिक के लिए अप्रूवल लेने में एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्रीज के पास भागना नहीं पड़ेगा जिससे बहुत सारा टाइम भी बचेगा। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत भारत सरकार यूलिप यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाएगी जिसमें प्राइवेट एजेंसीज सर्विस प्रोवाइडर्स को पता चल सकेगा कि कौन से रूट से जल्दी उनका प्रोडक्ट डिलीवर होगा, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जल्दी पहुंचेगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भारत सरकार AI और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, एक प्रॉपर डेटा सेंटर बनाएगी जिससे लॉजिस्टिक को ट्रैक किया जाएगा कि कितने समय में एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंच रहा है। अगर प्रोडक्ट उस रूट पे प्रॉपर टाइम से पहुंच रहा है तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर अगर उस रूट में डिले हो रहा है तो उस चीज को ट्रैक किया जाएगा कि किन कारणों की वजह से डिले हो रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा जिससे अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है तो उन्हें एक्सपोर्ट करने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि सबसे पहले प्रोडक्ट को पोर्ट तक कैसे लाना है, कस्टम कैसे क्लियर करना है, कौन कौन से पेपर वर्क चाहिए, सब कुछ। इसके अलावा वर्कर्स की स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए इको फ्रेंडली वाटरवेज बना रही है, 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, 30 एयरपोर्ट पे कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाया जा रहा है, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन पे भी काम कर रही है जिससे ड्रोन्स के जरिए से अगल बगल के एरिया में डिलीवरी हो सके। इसके अलावा देश में लॉजिस्टिक को
इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रैंकिंग शुरू की है। लीड्स रैंकिंग भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। इस रैंकिंग में देखा जाता है कि स्टेट्स में लॉजिस्टिक की क्वालिटी और कैपेसिटी कैसी है, रोड कैसी है, रेल कनेक्टिविटी कितनी है, हाईवे एक्सप्रेसवे की स्पीड कितनी है। तो ऐसे 17 पैरामीटर को देख के रैंकिंग दी जाती है। तो इस समय रैंकिंग में नंबर 1 पे गुजरात है, फिर हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। तो जिस स्पीड से भारत सरकार लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने में काम कर रही है, इससे आने वाले समय में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का टाइम और पैसा दोनों बचेगा और साथ में भारत का इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। भारत आराम से अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएगा। CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने बताया कि लॉजिस्टिक के इम्प्रूव होने से भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होगी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो जाएगा। भारत के एक्सपोर्ट 5-8% इंक्रीज होंगे और इससे मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा और साथ में बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के भारत में आएंगी। तो दोस्तों, जिस स्पीड से भारत सरकार लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करी है, आने वाले 5 सालों में आप देखना कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट और ज्यादा कम हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बात सही है। इन्होंने क्या, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज्यादा काम किया है लॉजिस्टिक्स के ऊपर, कि जैसे कि उन्होंने डिफरेंट कॉरिडोर्स बना दिए हैं, भारतमाला, सागरमाला और फिर जो फ्रेट कॉरिडोर है, और इस तीनों तरीकों से आपके जो फायदा होगा कि भारतमाला से होगा कि आपके आपके जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना खूबसूरत कर दिया, कि पहले 1000 किलोमीटर कहते थे कि एक्सप्रेस वे और हाईवे दोनों में किया, अब इन्होंने 5000 और 15000 तक कर दिया है 10000 से। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो कि एक पूरी इंडिया की जर्नी में 2017 तक इतनी नहीं या 14 तक नहीं बन सकी, वो उन्होंने उससे डबल तकरीबन करके उन्होंने से ये अपने 8 साल में बना दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 7 या 8 साल में उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी जी की। पर एक सागरमाला की जो बात कर रहे थे वो, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इनिशिएटिव है कि जो अब वो इससे फायदा होगा क्या कि जब जो आपके जितने ज्यादा कॉरिडोर जितने ज्यादा आपके बनेंगे, अनलोडिंग की जगह बनेगी, तो आपकी उतनी जल्दी जो है फास्ट ट्रैक हो जाएगा चीजों का अनलोडिंग होना। अब वो जो 26 अभी कहते हैं कि कितने घंटे होती है, अब 26 घंटे पे आ गया है और ये आगे फ्यूचर में चाह रहे हैं कि ये 16-17 घंटे के अंदर अनलोड किया जाए पूरा शिप, पूरा कार्गो शिप। तो एक बहुत बड़ी चीज है। और फिर ये जो फ्रेट कॉरिडोर है आपका थ्रू ट्रेन, ताकि कोई भी कोई ट्रैफिक का मसला ना हो, कोई मसला भी ना हो, नहीं होगा और फायदा ही होगा। एक सेपरेट एक ट्रैक बनाया गया रेलवे ट्रैक जिससे थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे एक चले दूसरी जगह के लिए। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इससे इंडिया को एक बहुत बूम मिलने वाला है, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, तो जो लोगों को चीज मिलती है वो सस्ती मिलेगी, बिकॉज वो सस्ती बन रही है। तो आप कोई भी चीज लेते हो तो उसकी एक ट्रांसपोर्ट चार्जेस की मिला के कॉस्ट निकलती है चीज की, तो वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगी चीजों की। जब आपका वो एक तो चीजों का फास्ट ट्रैक कर सकते हो कि जल्दी पहुंच जाया करेंगी चीजें, फिर आपकी कॉस्ट कटिंग होगी, तो जो एक तो यूजर जो बना रहा है उसको भी फायदा है, जो एक खरीद रहा है, जो बायर है और सेलर दोनों का फायदा इससे होगा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे इंडिया की इकोनॉमी को और बूम मिलेगा और बूस्ट मिलेगा। और इस तरह से ये होगा ना कि आजू के मतलब कि और ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज और ब्रांड्स हैं वो फिर इस तरह रुजू करेंगे कि वो लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उन लोगों को हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी, इजीली मिल रही होगी, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, ज्यादा हर्डल्स नहीं होंगी इन बिटवीन। इस तरह से ये भी होगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स आपकी तरफ आएंगे, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और सेकेंडली मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट यही होगा, क्योंकि इसलिए ना हो ये रहा है कि ना इंडिया ने एक अच्छी किया है कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने ना के इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किए चीजों ने, क्योंकि उन्होंने आपके लिए रास्ते खोले कि आप आके इन्वेस्ट करें। जैसे गुजरात का सिटी जो बना है, स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, तो ये और हाईटेक सिटी हैदराबाद, इन्होंने बहुत ज्यादा कहा है कि आप इन्वेस्ट करें। तो इससे और जो बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के अपने लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि हाँ हम पैसे लगाएंगे तो हमें इससे फायदा होगा। और इससे ज्यादा फायदा हो किसके लिए, जो अवाम है नीचे वाली उनका बहुत फायदा होता है। अभी सामान जो एक मोबाइल एक फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर होता है, अब वो उसकी फ्रेट चार्जेस अब जब कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कटिंग होती है, कम हो जाएगी। हाँ। जो सामान, क्योंकि अब सामान यही होता है कि सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चर करके आपने भेजना है, क्योंकि मोबाइल आपने जब मोबाइल के लिए आपने सामान इकट्ठा करना है, डिफरेंट चीजें बननी है, जो प्रोसेसर आना है, स्क्रीन आनी है, वो डिफरेंट चीजें जो आनी है इकट्ठी बन के, फिर उनके एक चार्जेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कहाँ से आ रही है, उनकी कॉस्ट होती है। तो उसकी जब कॉस्ट कटिंग होगी, कम होगा, सस्ता पड़ेगा आने का, तो फिर उसकी बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी होगी, उसके लिए भी फिर
जल्दी पहुंच जाएगा, एक तो फास्ट ट्रैक हो जाएगा, और एक इससे फायदा होगा क्या कि एक कॉस्ट कट भी होगी, कॉस्ट कट तो होगी फॉर श्योर, कट होगी, आवाम के लिए बहुत फायदा से है। और ये नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे लिहाज से, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम जो किया गया है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, वो एक बहुत ही मेरे ख्याल से कारामद साबित हुआ इंडिया के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने से लेकर हर आवाम की सहूलियात तक। क्योंकि देखे ना, अब इकोनॉमी कहाँ को टच कर रही है, ये छोटी छोटी सी चीजें होती है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी तो इंडिया बन चुका है, अब वो आगे जा रहा है, इंडिया है सरपास जर्मनी एंड जापान, और अब वो थर्ड पे आ गया है, दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन गया है, बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो अब इसके बाद वो नंबर 1 पे भी जा सकता है, तो भी टाइम अच्छी हो सकती है पॉसिबल। तो ये बहुत गुड इनिशिएटिव लिया गया है, हमने हमेशा कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है इंडिया के लिए वो वाकई में नजर आ रहा है और दिख रहा है, मतलब कि खाली बातों तक नहीं है, वो आप फिजिकली उसको देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, तो इसीलिए लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और उसके बारे में बातें भी हो रही हैं। सो यही था हमारा आज का रिएक्शन और यही थी हमारी आज की वीडियो, तो आप लोगों का क्या टेक है ऑन दिस आप लोग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड हमारा तो यही टेक था ऑन इस वीडियो और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई, रिएक्शन पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।